फिरोज शाह शारीरिक दुर्बलताओं से पीड़ित थे और उनके शासन को उनके दरबारी इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में अधिक दयालु माना था। 88 जब फिरोज शाह सत्ता में आए तो भारत एक ध्वस्त अर्थव्यवस्था, परित्यक्त गांवों और कस्बों और लगातार अकाल से पीड़ित था। उन्होंने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की, जिनमें यमुना घग्गर और यमुना सतलज नदियों को जोड़ने वाली सिंचाई नहर, पुल, मदरसे, धार्मिक विद्यालय, मस्जिद और अन्य इस्लामी इमारतें शामिल हैं। 5 फिरोज शाह तुगलक को इंडो इस्लामिक वास्तुकला को संरक्षण देने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें मस्जिदों के पास लेक्स प्राचीन हिंदू और बौद्ध स्तंभ की स्थापना भी शामिल है। 19वीं शताब्दी तक सिंचाई नहरों का उपयोग जारी रहा। 1388 में फिरोज की मृत्यु के बाद तुगलक वंश की शक्तिशील होती गई और कोई भी अधिक सक्षम नेता सिंहासन पर नहीं आया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु से राज्य में अराजकता और विघटन पैदा हो गया। उनकी मृत्यु से पहले के वर्षों में उनके वंशजों के बीच आंतरिक संघर्ष पहले ही भड़क चुका था। पहला गृह युद्ध 1384 में वृद्ध फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु से 4 साल पहले शुरू हुआ, जबकि दूसरा गृह युद्ध फिरोज शाह की मृत्यु के 6 साल बाद 1394 में शुरू हुआ। नवासी इस्लामी इतिहासकार सर हिंदी और बेहमद खानी इस काल का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। ये गृह युद्ध मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम अभिजात वर्ग के विभिन्न गुटों के बीच थे, जिनमें से प्रत्येक धिम्मियों पर कर लगाने और निवासी किसानों से आय निकालने के लिए संप्रभुता और भूमि की मांग कर रहे थे। 1376 में फिरोज शाह तुगलक के पसंदीदा पोते की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिरोज शाह ने अपने वजीरों की मदद से शरिया को पहले से कहीं अधिक खोजा और उसका पालन किया। वह स्वयं 1384 में बीमार पड़ गए। तब तक 1351 में फिरोज शाह तुगलक को सत्ता में स्थापित करने वाले मुस्लिम कुलीन वर्ग की मृत्यु हो गई थी और उनके वंशजों को गैर मुस्लिम किसानों से कर निकालने के लिए संपत्ति और अधिकार विरासत में मिले थे। खान जहान द्वितीय दिल्ली का एक वजीर फिरोज शाह तुगलक के पसंदीदा वजीर खान जहान प्रथम का पुत्र था और 1368 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता में आया। 91 युवा वजीर फिरोज शाह तुगलक के बेटे मोहम्मद शाह के साथ खुली प्रतिद्वंद्विता में था। 92 जैसे जैसे वजीर ने अधिक अमीरों को नियुक्त किया और अनुग्रह प्रदान किया, उसकी शक्ति बढ़ती गई। उन्होंने सुल्तान को अपने परपोते को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए राजी किया। तब खान जहान द्वितीय ने फिरोज शाह तुगलक को अपने एकमात्र जीवित पुत्र को बर्खास्त करने के लिए मनाने की कोशिश की। सुल्तान ने अपने बेटे को बर्खास्त करने के बजाय वजीर को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद उत्पन्न संकट के कारण पहले गृह युद्ध हुआ, वजीर की गिरफ्तारी और फांसी हुई। उसके बाद दिल्ली और उसके आसपास विद्रोह और गृह युद्ध हुआ। 1387 में मोहम्मद शाह को भी निष्कासित कर दिया गया। 1388 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। तुगलक खान ने सत्ता संभाली लेकिन संघर्ष में उसकी मृत्यु हो गई। 1389 में अबू बक्र शाह ने सत्ता संभाली लेकिन 1 साल के भीतर ही उनकी भी मृत्यु हो गई। सुल्तान मोहम्मद शाह के अधीन गृह युद्ध जारी रहा और 1390 तक। इसके कारण उन सभी मुस्लिम कुलीनों को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई, जो खान जहां द्वितीय के साथ जुड़े हुए थे या उनके साथ जुड़े होने का संदेह था। जब गृह युद्ध चल रहा था तब मुख्य रूप से उत्तर भारत के हिमालय की तलहटी की हिंदू आबादी ने विद्रोह कर दिया था और सुल्तान के अधिकारियों को जजिया और खराज कर देना बंद कर दिया था। भारत के दक्षिणी दोआब क्षेत्र अब इटावा के हिंदू 1390 में विद्रोह में शामिल हुए। 1392 में सुल्तान मोहम्मद शाह ने दिल्ली और दक्षिणी दोआब के पास विद्रोह कर रहे हिंदुओं पर हमला किया, जिसमें किसानों को बड़े पैमाने पर मार डाला गया और इटावा को तहस नहस कर दिया गया। 92-93 हालांकि तब तक अधिकांश भारत छोटे मुस्लिम सल्तनतों और हिंदू राज्यों के एक समूह में परिवर्तित हो चुका था। 1394 में लाहौर क्षेत्र और उत्तर पश्चिम दक्षिण एशिया अब पाकिस्तान में हिंदुओं ने फिर से स्वशासन स्थापित कर लिया था। मोहम्मद शाह ने उन पर हमला करने के लिए एक सेना इकट्ठी की, जिसके कमांडर इन चीफ उनके बेटे हुमायूं खान थे। जनवरी 1394 में जब दिल्ली में तैयारी चल रही थी,